एक गाड़ी से टकरा के ये बैल थैनोस 5 दिनों तक एक खाई में गिरा रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी चोट आई और एक ही जगह इतने दिनों तक बैठे रहने के कारण उसके पिछले पैरों में खून का बहाव रुक गया। जिन लोगों को उस पे तरस आया उन्हें क्रेन से उठा के उसको बाहर निकालना पड़ा और फिर वो उसे हमारे क्लिनिक ला पाए। उसकी यहाँ पे जांच चल रही थी, हम भी असमंजस में थे कि भाई करें तो क्या करें। और इसी दौरान उसको लाए हुए एक रेस्क्यूअर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बात शुरू से शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब थैनोस हमारे पास आया था। जब पहली बार हमें थैनोस के बारे में फोन आया था तो यही बताया गया था कि एक बैल हाईवे के बीचों बीच ट्रैफिक में घूम रहा है, उसके पीनस वाले हिस्से में कुछ कट लगे हुए हैं और वो खून से सना हुआ है। उस समय हमारी टीम उसको वहां लेने गई थी और उसको लाना आसान नहीं था। अभी हाईवे है ना, मतलब काफी ट्रैफिक है ना, हम सोचे थोड़ा लिंक में चले जाए उसके बाद ही करते हैं। हमने उसको बेहोशी की दवाई भरा डांट तो मारा और उसको लगा भी, लेकिन इस हाथी जैसे बैल पे उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। अब हम उसके पीछे भागते तो वो भी डर के भागता और फिर नशे की हालत में वो किसी भी गाड़ी से टकरा सकता था। इसीलिए हम धीरे धीरे उसके पीछे चले रहे और उसे सड़क के कोने में ले गए। जब हमने उसे गाड़ी में चढ़ाया और उसने यूरिनेट किया तब हमें पता लगा कि उसकी चोट कितनी संजीदा है, क्योंकि उसका यूरिन 3 जगह से बाहर आ रहा था। जब हम उसको क्लिनिक लाए तो हमें 2 चीजें पता लगी। पहली तो ये कि चोट लगने की वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो गई और उस सूजन की वजह से जहां से उसका यूरिन बाहर आना चाहिए था वो जगह बंद हो गई थी। और दूसरी ये खुशकिस्मती से जिस दुर्घटना से उसको पहली चोट लगी उसी से उसे उस हिस्से के आसपास कुछ और चोट लगी जहां से उसका यूरिन बाहर आ पा रहा था, नहीं तो वो मर भी सकता था। हाँ, उस दुर्घटना को अब हम थैनोस की बदनसीबी कहेंगे या खुशकिस्मती, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज उसी दुर्घटना की वजह से तो उसको बिना भटके खाने को खाना, पीने को पानी और चैन से सोने की एक जगह मिल गई थी। कैसी विडंबना है ना कि सड़क पर रहने वाले जानवरों को कुछ दिन का चैन भी तब मिलता है जब वो किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। थैनोस का इलाज यहाँ पे 3 महीने चला। अब वो वापस जाने को तैयार था या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, पर हम उसे वापस छोड़ने के लिए मजबूर थे। उस समय लंपी स्किन डिजीज, जिसे आप गाय बैलों का कोरोना भी कह सकते हैं, वो फैल रखा था। ये एक लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से काफी लोग अपने गाय बैलों को खो बैठे थे। इसीलिए लोग काफी डरे हुए थे और जिस सड़क को थैनोस अपना घर कहता था उसको वहां पे उतरने नहीं दे रहे थे। इस एरिया में उतारा, यहाँ उठा लो इसको, यहाँ यहाँ मैंने छोड़ना होगा। एनजीओ से आए तो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा ना आपके पास कि आप एनएलडी कर रहे हो। हमने उन्हें बताया कि हम कोई डेयरी वाले थोड़ा ही हैं जो अपना बैल आपके सर मढ़ने आए हैं, हम तो एक क्लिनिक हैं जो बेसहारा गाय बैलों का इलाज करते हैं। आखिरकार थैनोस का रेस्क्यू वीडियो दिखाने के बाद वो जैसे तैसे मान गए। हम कहाँ जोड़ना है बताओ, आप बताओ कहाँ। अब इसके करीबन 2 महीने बाद हमारे क्लिनिक के आगे भीड़ इकट्ठी हो गई। ये भीड़ उन रेस्क्यूअर्स की थी जिनको थैनोस अब खाई में गिरा पड़ा मिला था और वो क्रेन से निकाल के उसको हमारे क्लिनिक लाए थे। आपने दरन से एक रेस्क्यू किया था ना बुल, जिसके पीनस में प्रॉब्लम थी, 3-4 दिन से उसको ना किसी ने आई थिंक ट्रक ने या फिर बस ने हिट करा होगा, उसके बाद वो लाइक फॉल डाउन हो गया था अपना नीचे रिवर में नाले जैसे में, तो उसको अभी हमने क्रेन से पिक करके ऊपर तो ले आया। आई डोंट नो उसके फ्रैक्चर है कि क्या है, बट वो अभी उठ नहीं पा रहा था, तो हम एक बार इधर ही लेके आए क्योंकि हमारी जांच में यही पता लगा कि उसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कुछ हो तो नहीं सकता क्योंकि स्पाइन में इंजरी है इसकी ना, तो इसको रखेंगे तो पेन मैनेजमेंट ही कर सकते हैं अभी, तो उसके अलावा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि स्पाइन में अगर लगी हो तो इतने बड़े जानवरों को रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने उन्हें बताया कि हम अपने विकलांग जानवर जो चल फिर तो सकते हैं पर सड़क पे जिंदा नहीं रह सकते, उनको अपनी एक सैंक्चुरी में रखते हैं, पर दिन में एक बार जाके पेन किलर लगाने के अलावा हम उसके लिए कुछ और नहीं कर सकते।
इससे वो दिन के 4-6 घंटे तो दर्द के बिना रहेगा, पर बाकी समय वो दर्द में रहेगा। साथ ही साथ चल फिर ना पाने की वजह से वो यूरिन भी एक जगह बैठे बैठे ही करेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर की चमड़ी सड़ जाएगी, उसमें घाव हो जाएंगे और इन्फेक्शन और मैगेट्स की वजह से वो अंततः बचेगा नहीं। ये सब सुन उनमें से एक रेस्क्यूअर बोल पड़ा, हम जितना कर सकते थे किया, पिछले 5 दिन से हम लोग ला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम इतने सालों से एनिमल रेस्क्यू कर रहे हैं, मैंने यही देखा है कि एनिमल रेस्क्यूअर्स अपनी भावनाओं को जानवर के दुख से ज्यादा तवज्जो देते हैं, पर यहाँ पे इतनी जद्दोजहद के बाद उस बैल को बचाने के बाद उनका ये कहना काफी सराहनीय था। यूथनेजिया यानी मर्सी किलिंग की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। कानूनन किसी भी जानवर को यूथनाइज करने से पहले सरकारी वेट द्वारा जांच और सरकारी अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य है। तो सिलसिला शुरू हुआ थैनोस के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ने का, पर क्योंकि थैनोस हमारे एरिया का नहीं था, हमें ये अनुमति नहीं मिली, तो इसका जिम्मा उठाया उसके रेस्क्यूअर्स ने। वो वापस पालमपुर गए और कई घंटों के प्रयास के बाद जाके उनको जवाब मिला और थैनोस को मुक्ति। अब हमारी ऐसी कहानियां सुन के बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई जब इन जानवरों को ठीक होने के बाद आपने छोड़ना वापस सड़क पे ही है, जहां पे उनको दोबारा चोट लग सकती है, तो उन्हें ठीक करने का क्या मतलब हुआ। पर जरा सोचिए कि अगर आपको आज चोट लगी है और आप सड़क किनारे पड़े कराह रहे हैं, तो आप भी तो चाहेंगे ना कि आज आपकी मदद हो, इस क्षण में आपको कम से कम राहत मिले, कल किसने देखा है।